आगामी तीजा पर्व के मद्देनजर भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न वार्डो में समाज सेविका एवं कांग्रेस नेत्री राजू चंद्रा के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। शुक्रवार और शनिवार को महिलाओं को मेहंदी लगाकर उन्हें श्रृंगार सामग्रियां प्रदान की गयी। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के मार्गदर्शन में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पूरे भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही विभिन्न तीज त्योहारों के अवसर पर भी विधायक देवेंद्र यादव के मार्गदर्शन में समाज सेवी और कांग्रेस नेत्री राजू चंदा द्वारा महिलाओं को विभिन्न सामग्रियां प्रदान की जा रही है। तीज पर्व के मद्देनजर भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्डों में महिलाओं द्वारा राजू चंदा के नेतृत्व में व्यापक रूप से तैयारी की जा रही है। यहां विशेषज्ञों द्वारा महिलाओं को मेहंदी का प्रशिक्षण देने के साथ साथ मेहंदी लगाई जा रही है। साथ ही तीज में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का वितरण भी किया जा रहा है। इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल हो रही है। यहां महिलाओं को सिलाई कढ़ाई के साथ साथ ब्यूटिशियन आदि का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दे रही हैं। अब तक अनेकों महिलाएं रोजगार मूलक कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। इन्हें स्वरोजगार से जोड़ने विधायक देवेंद्र के मार्गदर्शन में राजू चंदा निरंतर प्रयासरत हैं। बहरहाल तीज तैयारी को लेकर महिलाओं में व्यापक उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजन में महिलाओं के लिए विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं, जिसमें विजेता रही महिलाओं को पुरस्कृत किया जा रहा है। इस कार्य को लगातार जारी रखे जाने की जानकारी राजू चंदा ने दी है। बोला जाता है कि मायके में आने से तीज बनाने के लिए सारी बच्चियां बेटियां मायके जाती हैं, तो सर ने उन लोगों को मायके का एहसास नहीं दिलाया। सब लोगों को एक मायके जैसे ही सब लोगों को तीज का सामान जैसे मेहंदी हो गया, पार्लर हो गया, सिंगार की जितने भी चीज़ें थी वो सारे जन प्रोवाइड करे हैं। और सर ने उन लोगों के लिए खाना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बहन लोगों को दिया है। तो बाकी में ही हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे वैशाली मतलब जो हमारे जो सेक्टरों में जो जितने विधायक जी ने किया है, हम लोग उसका धन्यवाद देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे वैशाली नगर में भी ऐसे ही योजना चले और ऐसे ही हो, तो हमें भी बहुत खुशियां मिलेगी, क्योंकि हम लोग चाहते ही थे कि कुछ अच्छा हो हम लोगों के वार्ड में भी। तो ऐसे अच्छा दिन के लिए हम लोग इंतज़ार कर ही रहे हैं वैशाली नगर के लिए। लेकिन सर के विधानसभा में हमें काम करते हुए अभी 2-3 महीना हो गया है, ऐसा लग रहा है हम 40 साल से वहीं काम कर रहे हैं। इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे, इतने सारे वार्ड के इतने अच्छे अच्छे लोग और इतना अच्छा सीखते हैं पार्लर सिलाई, वहाँ काम करते हुए गौरव महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि हम बाहर देश में जाके काम कर रहे हैं। और हमारे बच्चे लोग, सारे बच्चे जितने भी हैं वार्डों के, वो सारे लोग बहुत अच्छे से माँ का सम्मान भी करे हैं, प्यार भी दिए हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम गौरव महसूस करते हैं कि हम विधायक जी ने हमें ये जो मौका दिया है, हम कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। और इतना अच्छा दिन दिखाने के लिए उनको, एक बेटे के लिए एक माँ धन्यवाद ही दे सकती है और दुआ दे सकती है। हम चाहते हैं कि सबकी माएँ ऐसी हो और हम ऐसे दुआ देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।